सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुरुचिस किचन को और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आप देख पाएं मेरी वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्प्रिंग ऑनियन स्टफ्ड लच्छा पराठे की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपने कभी प्याज के पराठे खाए होंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है, बस हल्का सा डिफरेंट होता है। तो आप इस रेसिपी को भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं प्याज के पराठे की रेसिपी भी अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते और जल्दी से शुरू कर लेते हैं हमारे पराठे की रेसिपी। स्प्रिंग ऑनियन लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, स्प्रिंग ऑनियन बारीक कटे, चिली, रेड चिली फ्लेक्स, नमक और तेल। अब हमें पराठे के लिए आटा गूंदना है, इसलिए एक बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे सबसे पहले मैदा, फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार हल्का सा नमक। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हल्का गुनगुना पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। तो आटे गूंदने के लिए हम हल्का गुनगुने पानी का ही प्रयोग करेंगे। अब मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया, हमें ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट हो गया और हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया, तो हम पराठे बनाएंगे। अब मैंने आटे की एक लोई ले ली है, तो सबसे पहले हम फ्लोर पे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और उस पर लोई को रखेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। तो मैंने एक रोटी बेल ली है, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हल्का मोटा ही बेलना है। तब हम इस पर अप्लाई करेंगे हल्का सा ऑयल, आप चाहें तो बटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अच्छे से ऑयल को चारों साइड लगा देंगे। अब हम इस पर हल्का सा स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, फिर हम इस पर हल्के से चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे और अब हम इसे एक साइड से रोल करते हुए अच्छे से बंद कर लेंगे। और ईंट को हम अच्छे से हल्का सा दबा के लॉक कर देंगे ताकि। अब हम इस पे भी हल्का सा ऑयल अप्लाई करके थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और फिर इसे भी अच्छे से रोल कर लेंगे। तो देखिए हमारी एक लोई बन के तैयार है, इसे हम लास्ट पॉइंट से अच्छे से पैक कर देंगे। तो हमारी एक लोई बन गई है। तो हम वापस से सरफेस पे हल्का सा मैदा डालेंगे और इस लोई को बेलन की मदद से एक पराठे की तरह बेल लेंगे। तो देखिए मैंने एक पराठा बेल के तैयार कर लिया है। हमें पराठे को ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा बेलना है, तो हम इसे सेकेंगे। तवा गरम हो गया है, तब हम इस पर एक पराठा डालेंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे। एक साइड से जब हमारा पराठा हल्का सा कुक हो जाएगा तो हम पराठे को पलट लेंगे और जिस साइड से हमने पराठे को हल्का सा कुक किया था उस साइड हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे। और ऑयल अप्लाई करने के बाद पराठे को दूसरे साइड से भी कुक होने देंगे और उसके बाद पराठे को फिर से पलट के दूसरी साइड भी ऑयल अप्लाई कर लेंगे। अब हमने पराठे के दोनों साइड तेल लगा लिया है, तो हम इसे उलट पुलट के दोनों साइड से हल्का कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। आप देख सकते हैं पराठे पे हल्के ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, इधर भी दोनों साइड आ गए हैं। तो हमारा पराठा अच्छे से कुक हो गया है, इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। तो हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे पराठों को भी कुक कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है बनके पराठे। देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा
कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर किसी और डिश की रेसिपी चाहिए हो तो भी कमेंट में लिख के बताना मत भूलिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब मेरी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।